हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्रोथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो नए मैकेनिक लोग हैं उन लोगों के लिए है, जो ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चाइनीज़ टीवी है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, चाइनीज़ टीवी है, ठीक है। तो चाइनीज़ टीवी में एक छोटा सा एक नॉर्मली फॉल्ट आता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी कर देता है। वो फॉल्ट क्या आता है, तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जो चाइनीज़ टीवी होता है उसमें जब हम पावर स्विच से पावर ऑन करते हैं इस तरह से, तो ये टीवी ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये देखिए, ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ना कोई इसमें स्टैंड बाई से रिलीज करना होता है, ना कोई इसमें एवी करना होता है, और अपने आप ऑटोमेटिकली ये इसमें पिक्चर आने लगती है, ठीक है। और जो ब्रांडेड मॉडल के टीवी होते हैं उनमें पहले पावर ऑन करना होता है, उसके बाद फिर स्टैंड बाई से रिलीज करना होता है, और उसके बाद वीडियो मोड पे करना होता है, तब पिक्चर दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन जो ये चाइनीज़ टीवी चाहे कोई सा भी हो, उसमें किसी प्रकार का रिमोट से कोई की दबाने की या स्टैंड बाई से रिलीज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बताता हूँ फॉल्ट क्या आता है। तो दोस्तों, ये जब टीवी चल रहा होता है तो कई बार ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये इस तरह से बंद हो जाता है, और फिर जब हम पावर स्विच से पावर ऑन करते हैं तो भी ये ऑन नहीं होता, स्टैंड बाई में रहता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे रिपेयर करना है। हालांकि टीवी जो चाइनीज़ बोर्ड होते हैं उनमें पावर ऑन करते ही टीवी ऑन हो जाता है, रास्टर आने लगता है, पिक्चर आने लगती है, लेकिन कई बार इसमें ये प्रॉब्लम आती है। कस्टमर के घर पर टीवी इस तरह से चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अपने आप ये स्टैंड बाई में चला जाता है और पावर इंडिकेशन की एलईडी जलती रहती है और ये पिक्चर नहीं आती, नो डिस्प्ले का फॉल्ट आने लगता है। कस्टमर टीवी को लेकर के मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिक इस टीवी के कैबिनेट को खोल करके सभी वोल्टेज चेक करता है, जिसमें 110 भी सही रहता है, इसके अलावा 26 वोल्ट सही रहता है, 12 वोल्ट सही रहता है, 5 वोल्ट सही रहता है, 8 वोल्ट सही रहता है, सभी वोल्टेज एच आउट भी सही रहता है, सभी वोल्टेज सही आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पिक्चर नहीं आती है, स्टैंड बाई में रहता है। तो दोस्तों, ये क्या कारण होता है, और मैकेनिक इसमें फॉल्ट को ढूंढता रहता है लेकिन ये स्टैंड बाई में रहता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है। जो ये बोर्ड होता है टीवी का, इसमें जो ये बड़ा आईसी होता है, मेन आईसी होता है, इसके पास बहुत से कंपोनेंट लगे रहते हैं छोटे छोटे, इसके पास में मेमोरी आईसी लगा रहता है, तो इन कंपोनेंट के बीच में क्या है कि जो ये डस्ट होता है, डस्ट भर जाता है, और उसके बाद ये अपने आप स्टैंड बाई में चला जाता है सेट, और उसके बाद ऑन नहीं होता, और कस्टमर लेकर के फिर मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, और मैकेनिक सब कंपोनेंट के चेक करने के बाद लास्ट में उसे ध्यान में आता है, तो वो फिर साइड में लगे हुए की से जब प्रेस करता है तो ये स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता है, या फिर रिमोट से जब हम स्टैंड बाई रिलीज करते हैं तो रास्टर आने लगता है, और जब तक स्टैंड बाई से रिलीज नहीं करते तब तक स्टैंड बाई में ही रहता है। जब हम पावर ऑन करेंगे तो कोई रिमोट से कोई की प्रेस करने की या कोई बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाइनीज़ बोर्ड में ऑटोमेटिकली ये ऑन होता है, ठीक है। लेकिन ये कई बार ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है कि स्टैंड बाई में चला जाता है, और जब तक हम ये पावर ऑन से रिमोट से स्टैंड बाई से रिलीज नहीं करेंगे तब तक रास्टर नहीं आएगा, या फिर इधर जो की लगे हैं इनसे कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक स्टैंड बाई में सेट रहता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास भी पहले भी कई बार आ चुकी है, और इसमें कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं होता है, ओनली ये डस्ट की वजह से जो इसमें मेमोरी लगा रहता है उसका डेटा जो है वो एनक्रप्ट वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टैंड बाई में चला जाता है। जब हम रिमोट से पावर की प्रेस करते हैं तो ये फिर से स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता है, जबकि जो ब्रांडेड मॉडल के टीवी होते हैं उनमें बार बार पावर ऑन करने के बाद रिमोट से स्टैंड बाई से रिलीज करना होता है, उसके बाद फिर एवी या वीडियो मोड पे करना होता है, तब हमारा टीवी में पिक्चर आता है। और जो नॉर्मल जो चाइनीज़ टीवी होते हैं उनमें कोई इसी तरह का की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा टीवी इस तरह से चलता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।